नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज सीखेंगे कि जो हमारी थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है उसका अगर नेम प्लेट चला जाए, नेम प्लेट किसी कारणवश खो जाए या घिस जाए या मिट जाए, तो कैसे हम आरपीएम का पता लगाएंगे कि मोटर हमारी कितनी आरपीएम की है। तो दोस्तों वीडियो को बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो आप देखेंगे कि जो हमारी मोटर होती है उसकी जो स्टेटर होता है वो कुछ इस तरह से बना होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि जिस मोटर की नेम प्लेट चली गई है उसका एक फ्लेंच खोल लेना है। जैसा कि इमेज में हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ये जो है इसका एक फ्लेंच चाहे आगे का खोल दीजिए या पीछे का खोल दीजिए, जो भी एक मोटर के एक साइड का फ्लेंच आप ओपन कर देंगे एक तरह का एक साइड का। जब जैसे सपोर्टेड हमारी ये मोटर है, हमारी ये मोटर है, यहाँ पे एक शाफ्ट निकली हुई है और इधर जो हमारी ये पंखे वंखे लगे हुए हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे आप आगे का जो है, आगे का या पीछे का कोई भी एक फ्लेंच खोल दीजिए। ये जो है फ्लेंच ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से रोटर और साइड में आपका स्टेटर दिख जाएगा। जब स्टेटर दिख जाए तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं वाइंडिंग, उसी तरह से आप जो है इसमें कुछ वाइंडिंग दिखेंगी, इसमें जो है कॉपर के तार लगे हुए दिखेंगे, तो इनकी स्लॉटें काउंट कर लीजिए आप। इनकी जो है स्लॉट, जैसे मान सपोर्टेड हमने यहाँ से स्लॉट काउंट करना चालू किया तो हमने इसको दे दिया एक नंबर, यानी इसको एक नंबर दे दिया, और इसी तरह से हम सारी स्लॉटें काउंट करते चले गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे जो है हमने सारी स्लॉटें जो है काउंट कर लिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो यानी कि ये जो हमारी मोटर है ये 24 स्लॉट की है। अब 24 स्लॉट की मोटर है तो इसमें कुछ इस तरह से वाइंडिंग होती है कि यहाँ से जो निकलेगा वो तीसरे नंबर पे जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा वो तीसरे, मतलब ऐसे करके सब में जाएगा। तो आप जो है इसको काउंट कर लीजिए। इसको काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है आरपीएम निकालने का, उस फार्मूले के से आप इसको निकाल सकते हैं कि कितने आरपीएम की ये मोटर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो कहीं पे इसके मत करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आरपीएम निकालने का, जो फार्मूला होता है वो होता है एन बराबर 120 इंटू एफ बटे पी। तो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे तो एन बराबर होता है हमारा, एन बराबर होता है आरपीएम, एन बराबर आरपीएम, और हमारा है एफ, एफ बराबर होता है हमारा, सॉरी एफ बराबर होता है फ्रीक्वेंसी, एफ बराबर होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, और हमारा है पी, पी बराबर हमारा होगा पोल। तो अब हमने इसको काउंट कर लिया कि हमारे कितनी स्लॉट की मोटर है। तो हमने जब स्लॉट काउंट कर लेंगे तो इस मेथड के माध्यम से इसको निकालेंगे। तो ये हमारा एक आरपीएम निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 24 पोल है हमारी, तो एक मेथड है हमारा इसका जो है 24 पोल, यानी कि 24 को हम क्या करेंगे, 24 को हम थ्री फेज से भाग दे देंगे, यानी कि हमारी मोटर जो है वो थ्री फेज की है तो हम इसको तीन से भाग दे देंगे। तो हम तीन से अगर इसको भाग देते हैं, अगर इसको हम तीन से भाग देंगे तो तीन का तीन, 8, 3, 24, यानी ये आएगा 8। अब 8 को हम क्या करेंगे, 8 के हम पेयर बनाएंगे, यानी कि सिंगल सिंगल 8 है तो इसको हम पेयर बनाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, क्योंकि ये पेयर होते हैं, एक दूसरे का पेयर होते हैं। तो इसमें हमारे जो जोड़े आएंगे, जो हम इसको जोड़े बना रहे हैं, तो अगर ये जोड़े हमारे जो आ रहे हैं वो आएंगे 4, यानी कि 4 जोड़े, ये जो 4 जोड़े हमारे हैं, यानी कि इस तरह से हमारी स्लॉट होती है। अगर मान लीजिए यहाँ से जो निकलेगी स्लॉट वो यहाँ चली जाएगी, फिर इस तरह से जो दूसरी वाइंडिंग निकलेगी वो यहाँ निकलेगी, फिर इस तरह से जो तीसरी वाइंडिंग निकलेगी वो यहाँ चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम जो इसको जो है जब जोड़े काउंट करेंगे तो ये हमारी बनेगी 4, तो यानी कि जो हमारी पोल की संख्या होगी वो होगी 4। तो अब हमारी जो पोल मिल गई हमें कि हमारी जो मोटर है वो 4 पोल की है,
इस तरह से हम पोल को भी निकाल सकते हैं कि हमारी जो पोल कैसे पता करते हैं। तो पोल इस तरह से मोटर के हम पोल भी पता कर लेते हैं स्लॉट काउंट करके, जितने फेज की मोटर होगी उतने फेज से हम उसको डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जितना आएगा उसको हम 200 फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे जो है पोल निकल आएगी। तो अब हमारा क्या है कि हमारा पता हमें पता चल गया कि हमारी जो मोटर है वो चार पोल की है। अब चार पोल की मोटर है तो हम इस फार्मूले पर रख देंगे इसको, तो हमारा जो एन बराबर 120 गुणे फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, जो अपने यहाँ स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आप देखेंगे यहाँ पे जो अपने यहाँ फ्रिक्वेंसी चलती है 50 हर्ट्ज चलती है, तो 50 हर्ट्ज। उसके बाद जो है हमारा जो पोल है इसको हम क्या करेंगे, पोल हमारा है चार, हम चार से इसको भाग दे देंगे, हम चार से इसको भाग देंगे। तो जो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 12 × 5 = 60 और 2 0, यानी कि ये हमारा जो आएगा वो 6000। 6000 को हम क्या करेंगे, चार से भाग दे देंगे। अब 6000 को जैसे हम चार से भाग देंगे तो 4 × 4 और 15 × 60, यानी ये आ जाएगी हमारी 1500। तो 1500 क्या आया, जो हमारी जो n बराबर जो हमारा n आया निकल के वो आया 1500। लेकिन अब ये 1500 जो RPM आया हमारा, ये आया 100% एफिशिएंसी, यानी कि 100% एफिशिएंसी में हमारी जो मोटर है ये 1500 RPM पे घूमेगी। लेकिन 100% RPM यानी कि 100% जो एफिशिएंसी किसी भी मोटर की होती नहीं है, बहुत कम होती है। तो इसी मोटर का हम इमेज दिखाएंगे आपको, तो उसमें देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% या 91 या 92 मैक्सिमम मोटर की जो परसेंटेज होती है वो 92 होती है, यानी कि जो अधिकतम एफिशिएंसी होती है मोटर की वो होती है आपकी, जो अधिकतम एफिशिएंसी होती है वो होती है 92%। तो हम इस मोटर को क्या करते हैं 90% मान लेते हैं कि ये 90% ही एफिशिएंसी हमें देगी। तो हम 90% एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सपोर्टेड ये 1500 हमारा ये निकल के आया कि इस जो है इस स्टेटर में हमारा जो मोटर है 1500 RPM की बन रही है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्या है अगर 90% हमारी एफिशिएंसी बन रही है तो 90% एफिशिएंसी में हम इसको निकालते हैं। तो 90% एफिशिएंसी में आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, 1500 गुणे 0.9 कर देंगे, तो 0.9 से क्या है कि इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी निकल आएगी। तो अगर इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 1350। तो जो इसकी एफिशिएंसी है मोटर की वो है 1350 RPM, यानी ये जो मोटर है हमारी ये 1350 RPM पे घूमेगी। और इसका इमेज भी दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें आप देखेंगे कि ये 1350 RPM पे ही घूम रही है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आप देखेंगे कोई भी फ्लेंच आप खोलें, चाहे आप फ्रंट का खोलें या बैक का खोलें, दोनों में से कोई भी गार्ड आप खोलेंगे, कोई भी फ्लेंच आप खोलेंगे, तो आपको जो है ये सेम चीज दिख जाएगी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, चाहे आप फैन की तरफ से खोलें या मोटर की आगे जहां पे मोटर कनेक्ट होता है एक दूसरे से। सपोर्टेड मोटर आपकी इधर से कनेक्ट है, ये जो है आपका फ्लैंच कपलिंग लगी हुई है या गियर बॉक्स लगा हुआ है, जो भी लगा होगा, तो चाहे आप आगे की तरफ से खोल दें या आप जो फैन कवर एरिया होता है उस साइड से खोल दें, किसी भी एरिया से आप मोटर को खोलेंगे तो आपको जो है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें स्लॉट जो है ये स्लॉटें आपको दिखने लगेंगी, और आपको रोटर भी दिखेगा और स्टेटर भी जो है स्टेटर की स्लॉटें जो है वो दिख जाएंगी, और सारी वाइंडिंग जो है आपको दिखने लगेंगी कि वाइंडिंग मोटर की कहाँ से कहाँ जा रही है। मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आप कहीं से भी गिनना चालू कर दें, जरूर नहीं कि आप सामने से ही गिने, यहाँ से भी गिनना चालू कर सकते हैं, यहाँ से भी गिनना चालू कर सकते हैं, यहाँ से भी, मतलब कहीं से भी काउंट करेंगे तो आपको टोटल काउंट करना है। टोटल काउंट करने के बाद जैसा मैंने बताया उनको क्या है, जैसे सपोर्ट अगर 24 निकल आया तो 24 को क्या करेंगे, थ्री फेज से आप भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा उसको पेयर के बना लेंगे आप। सपोर्टेड मैंने 8 आया, 8 के पेयर बनेंगे 4, तो 4 पेयर में आपको क्या करना है, 4 पेयर बन गए तो ये आपकी निकल आएगी पोल, जो मोटर की पोल की संख्या होगी ये होगी 4। फिर आपको इस फार्मूले पर रख के इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो है इसका पूरा मेथड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो में भी लाइक कमेंट करेंगे आप लोग, और इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सही लगी।
या फिर अगर कुछ क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।